हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड्स, क्रोटॉन प्लांट बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा होता है और इसकी ढेरों वैरायटी आपको नर्सरी में या आपके आसपास लगी हुई दिख जाएंगी और इस प्लांट को आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। इसकी जो भी पौधे पहले मैं नर्सरी से परचेस करके लाया था, ये सिंगल प्लांट है जिसे कि मैं नर्सरी से ख़रीद कर लाया। उसके पश्चात जब मुझे इसकी जानकारी हो गई कि इसे कटिंग से प्रोपगेट किया जा सकता है, तो अपनी मनपसंद वैरायटी जहाँ भी मुझे लगी दिख जाती है उसको मैं उसकी कटिंग लेके आता हूँ और उसको प्रोपेगेट करके फ्री ऑफ कास्ट उसके पौधे बना लेता हूँ। तो कुछ कटिंग से तैयार पौधे भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो पौधा है, ये प्लांट लगभग एक साल पहले मैंने इसी प्लांट की कटिंग से तैयार किया है और देखिए कितनी बेहतर ग्रोथ है। एक साल का पौधा है, छोटे से एक पॉट में लगा हुआ है और इस समय पर इसमें अब न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है। ठंडियों में इनमें कोई भी नई ग्रोथ नहीं आई और अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है इस पौधे में। तो आखिर यह प्रॉब्लम क्या है, क्यों आ रही है, उसके विषय में भी बात करेंगे। असल में इस पौधे में न्यू ग्रोथ तो निकल रही है मगर जो ऊपर की पत्तियाँ हैं वह ख़राब हो के सूख के गिर रही हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके प्लांट में न्यू ग्रोथ तो आ रही है मगर उसकी पत्तियां डेवलप नहीं हो पा रही हैं, पौधे को बार बार वाटरिंग की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो आज मैं इसे लेके आया हूँ रिपोर्टिंग जोन में और इसकी रिपोर्टिंग की इसे आवश्यकता है। रिपोर्टिंग जोन मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग की एक दो घंटे की धूप आती है, फिर दिन भर यहाँ पर धूप नहीं आती। इस वजह से यहाँ ऐसे प्लांट जिनको नई कटिंग से तैयार किया गया हो या जिनको कम धूप की आवश्यकता होती है, वहाँ मैं इस स्थान पे वहाँ इन पौधों को रखता हूँ। या रिपोर्टिंग के पश्चात लगभग एक हफ्ते दस दिन के लिए जिन प्लांट को यहाँ रखना होता है वहाँ मैं इसी क्षेत्र में अपने घर के पीछे साइड में छोटे गार्डन में मैं इनको शिफ्ट करता हूँ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है वह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और जानकारी भी आपके साथ शेयर करूंगा। कटिंग से जो पौधे मैंने नए इस साल बनाए हैं उसके विषय में भी बात करेंगे। देखिए, ये एक पौधा है, इसे गोल्ड डस्ट क्रोटॉन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है और इसकी एक छोटी सी कटिंग मैं गार्डन में घूमने गया था और बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट था, तो बिना उस प्लांट को नुकसान पहुंचाए उसकी एक पतली सी ब्रांच मैं तोड़ के लाया था और उसी की कटिंग से मैंने इन पौधों को प्रोपेगेट किया है। क्रोटॉन प्लांट आप जुलाई से लेके मार्च तक आसानी से कटिंग से प्रोपेगेट कर सकते हैं। यह 10 मार्च की लगी हुई कटिंग है और आज लगभग 25-30 दिन बाद देखिए इसमें अब न्यू शूट्स निकलनी स्टार्ट हो गई है और लगभग 2 महीने का समय लगेगा इसके सही ढंग से रूटिंग होने में। तो अप्रैल लास्ट तक में ये पौधे दूसरी जगह शिफ्ट करने लायक हो जाएंगे, यानी कि इनको हम जो ग्रोइंग मीडिया रेत जिसमें ये पौधे लगे हैं उससे हम इसे निकाल के और फिर दूसरे पॉट में अलग अलग शिफ्ट कर देंगे। दूसरी कटिंग जो मैंने लगभग 22 मार्च को लगाई है वह भी मैं दिखाता हूँ आपको। यह 22 मार्च की लगी हुई क्रोटॉन की दूसरी वैरायटी है, बहुत ही खूबसूरत सी लाल कथई कलर की पत्तियां इसमें आती हैं। नाम तो इसका मुझे नहीं पता है और जब इसमें लीव्स डेवलप हो जाएंगी तो वह मैं आपको दिखाऊंगा। तो पूरे मार्च मंथ में आप मार्च मंथ तक, जुलाई से लास्ट मार्च तक आप क्रोटॉन की कटिंग लगा सकते हैं। लगाने के पश्चात आपको इसको सेमी शेड में रखना होगा जहाँ ब्राइट लाइट तो आए मगर पौधे पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसमें जितनी भी न्यू ग्रोथ आई है सभी में पत्तियां अच्छे से डेवलप हो रही हैं, सभी की बढ़वार अच्छे से हो रही है। वहीं जब आप बड़े प्लांट को देखते हैं तो बड़े प्लांट में न्यू ग्रोथ तो स्टार्ट हुई, पत्तियां भी निकली मगर उसकी पत्तियां सही ढंग से ग्रोथ नहीं कर पाई और झड़ गई। तो इसका क्या रीज़न है, इस विषय पे आज मैं बात करूंगा।
रिपोर्टिंग का तरीका मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। सॉइल मिक्स बता देता हूँ, इसके लिए आप 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 30% के आसपास काउडंग कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट और 20% के आसपास आप सैंड या कोकोपीट का उपयोग करके आप अपने पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें यह पौधा जो है ये असल में रूट बाउंड हो गया है और इसकी रूट प्रूनिंग हमें करनी पड़ेगी, और इस वजह से इस पौधे में जो ऊपरी पत्तियां हैं जो कि न्यू ग्रोथ निकल रही है वह ख़राब हो जा रही है, क्योंकि जो कोमल पत्तियां होती हैं उनको पानी की रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम, यानी उनमें मॉइस्चर उसमें होना चाहिए, वरना ये पत्तियां सही ढंग से डेवलप नहीं हो पाती। तो यह पौधा हमारा रूट बाउंड हो चुका है, इसकी रूट प्रूनिंग हमें करनी पड़ेगी। रूट प्रूनिंग यदि हम इनकी कर देंगे और इनको 10 दिन के लिए अभी सेमी शेड में रखेंगे, वैसे भी यह सेमी शेड का ही प्लांट है, इसे आप सुबह की एक आध घंटे की धूप या शाम की एक आध घंटे की धूप जहां आती हो वहां आप लगाएं, यह पौधा बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही बढ़िया ग्रोथ इस प्लांट में आती है। तो आशा करता हूँ क्रोटोन प्लांट के विषय में यह छोटी सी मगर महत्वपूर्ण जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारी प्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।